थी अचार खाने की, पर नहीं मन लज्जा और अलग पलट चलट करके तुमने अचार भी खा लिया। तू और तेरा डाल थोड़ा काबू में रखा कर, अब जा आराम कर ले। पति कौन है तुझे पता है ना? तेरा और तेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजरों में, भूल गए क्या? पर अपने बच्चे की तो है, कम से कम उसका ख्याल रख। बैठे सब छोटा मोटा के चक्कर में काहे पड़े, हाँ बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा बेटा। पर मम्मी जी आप भी तो देखिए ना, हमारे मामले में फालतू में टांग बढ़ाती है। अच्छा उसको छोड़ो, हमारी सुनो, जाओ सीधे अपने कमरे में जाके आराम करो, किसी चीज का जरूरत पड़ेगा ना हमसे कहना ना। पर मम्मी जी देखो ये निधि है, साक्षी है, नौकर चाकर है, जो चीज मन करेगा बोलना तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा। हाँ बहुत बड़ी सच्चाई को कबूल करने जा रही है। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम मैं भी बिंदिया से एग्री करूँ। बताओ ना पाया ऐसा क्या सीक्रेट था? क्योंकि क्या है ना, इस हालत में ज्यादा सीक्रेट रखना अच्छी बात नहीं। क्यों मामी जी? हाँ बेटा बता दो, मन हल्का हो गया। हम बताते हैं। अरे क्या हुआ? अब तो मशीन उशीन भी चला गया, आप क्या कर रही हो? बताओ ना बात क्या है। कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। हेलो लापरवाही मत करना। अरे कुछ खाने का मन करेगा तो हमसे कहना ना, हमको पता है ना कि ऐसे हालत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ क्रिश के घर में पूजा के दौरान पायल ने किया तमाशा। बिंदिया की बातों से घर वाले हुए सहमत, पायल को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा फंक्शन। कलर्स टीवी के शो सुहागन के आने वाले एपिसोड में आप क्या कुछ देख सकते हैं, उसके लिए टेली रिपोर्टर ऑन लोकेशन से कुछ एक्सक्लूसिव छलकियां लेकर आए हैं, जहां पर क्रिश के घर में पूजा पाठ का सेलिब्रेशन चल रहा है, जहां पर बिंदिया के मायके के साथ साथ गांव वाले भी मौजूद हैं। लेकिन यहां पर पायल की फेक प्रेगनेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, जिसके पीछे किसी और का नहीं बिंदिया का ही हाथ है। यहां पर कुछ ऐसा खा लेती है पायल, जिसकी वजह से अब क्रिश की माँ भी पायल पर नाराज हो जाती है। यहाँ फंक्शन में रुककर सब कुछ देखना चाहती है पायल, लेकिन क्रिश की माँ उसे इंसिस्ट करती है कि उसे अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए, ऐसी हालत में अगर उसका कुछ भी खाने का मन करता है तो नौकर चाकर हैं वो भिजवा देगी। यहाँ पर बहुत कोशिश करती है पायल, लेकिन क्रिश और उसकी माँ के मनाने पर वो मान जाती है और गुस्से में बिंदिया को आंखें दिखाते हुए वहां से चली जाती है। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि आने वाले एपिसोड में और कौन कौन से नए हंगामे होते हैं। हम इसी तरह की ऑन लोकेशन एक्सक्लूसिव फुटेज आपके लिए यूं ही लाते रहेंगे। अब सारी अपडेट देखने के लिए आप टेली रिपोर्टर को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाना ना भूलें।